सब सुधरेंगे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। पहले आईपीएल में किया मैच फिक्सिंग, फिर बनाया अश्लील फिल्म तो गए जेल। अब जेल से आने के बाद एक और घटिया काम, ईडी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ईडी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 97 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति में शिल्पा शेट्टी का मुंबई वाला बंगला, पुणे वाला घर और करोड़ों रुपए का शेयर है। ईडी ने राज कुंद्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन लेते हुए 97 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच कर रही थी। राज कुंद्रा पर 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन के हेर फेर करने का आरोप लगा है। आपको बता दे, राज कुंद्रा का विवाद से पुराना नाता है। आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल को राज कुंद्रा ने खरीदा था। फिर 2013 में राजस्थान के खिलाड़ी एस त्रिशंत, अजीत चंडीला पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। तब टीम के मालिक राज कुंद्रा पर भी स्पॉट फिक्सिंग और सट्टा लगाने के आरोप लगे थे। वहीं 2021 में मुंबई पुलिस ने एक अश्लील फिल्म बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया था। तब राज कुंद्रा पर आरोप लगा था कि वो इन अश्लील फिल्मों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिसके बाद राज कुंद्रा को जेल तक जाना पड़ा था। पहले आईपीएल में मैच फिक्सिंग, फिर अश्लील फिल्म, अब बिटकॉइन घोटाला। ऐसे में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के कैरेक्टर पर कई सवाल खड़ा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कुंद्रा की कुल संपत्ति 2,800 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति 150 करोड़ रुपए है। इतनी संपत्ति होने के बाद भी राज कुंद्रा पर अब 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले के आरोप लग रहे हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।